अच्छा शानी भाई, यार आपकी बड़ी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, माशाल्लाह बड़ा आप जो है ना हिट हो गए हैं, तो ऐसी क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्या आपके पास ऐसे डिवाइसें पड़ी हैं जो आपको माशाल्लाह इतने ज़्यादा लोग देखते हैं? पता क्या है हमारा कि ये कि जो यूज़ में आपको मार्केट में पूरी मार्केट नज़र ही ना, हमारा काम है यूज़ में और क्वालिटी रखना माशा। और मैं अगर तो डब्बा पे गया ना, अगर ऑल ब्रांड टोटल डी कोड नहीं सुना होगा किसी ने, हेलो टेक नहीं सुना होगा, आईटेल वगैरह टोटली ब्रांड रखना पड़ता है माशा, ताकि कस्टमर है ना इस चीज़ की तरह। अच्छा, आपकी मैंने एक वो वीडियो देखी थी जिसमें कुछ आप बता रहे थे कि आईफोन चेक करना हो अगर आपने, वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव माशाल्लाह वीडियो बनाई थी, वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि मैंने भी ना परचेज करना है। मुझे बताइए किस तरह पता लगता है कि आईफोन जो है ना वो ओरिजिनल है, वाटर पैक है, उसकी क्या मतलब ऐसी जो है ना हम चीज़ चेक करें तो हमें पता लगता है? ये ना आईफोन 11 प्रो मैक्स जैसे कि बिल्कुल वाटर पैक है, और इसका ये है कि कैमरे में अगर डस्ट वगैरह हो ना, हल्की सी भी डस्ट इसके या बैक पे हो, फ्रंट बैक दोनों में तो इसका मतलब है फोन ओपन है, फोन ओपन है। अगर आपको नहीं भी यकीन आ रहा तो आप पिन लेके ना इस सिम स्लॉट को ओपन करें, सिम स्लॉट, और इसमें हवा एंटर करें, ठीक है? अगर क्रॉस हो जाए इसका मतलब है फोन ओपन है, तो अगर क्रॉस ना हो आपकी इसका मतलब है फोन वाटर पैक है, ठीक हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा पैनल ओरिजिनल है। अगर ओपन है ना, कुछ भी नहीं चेंज है, बैटरी चेंज भी है ना, आपका ख्याल आएगा कि यार ऐसा मतलब पैनल चेंज है, बैटरी चेंज, बंदे का माइंड चेंज हो जाता है। अभी ये फिजिकल ड्यूल है हमारे पास ना। अच्छा नहीं भैया, आप दिखाइएगा जरा कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास माशाल्लाह। 11 प्रो है, और ये देखिए ये ओपन नहीं, इसमें आपको ये डस्ट वगैरह भी नजर आ जाएगी, ये फ्रंट पे ये चीज, ये ओपन है, ओपन सेट है बिल्कुल इसी तरह ही, इसमें डस्ट नजर आ रही है, कैमरे में नजर ना आए मगर डस्ट इसके अंदर बिल्कुल है, बाकी ये जो है ना फिजिकल तो बिल्कुल क्लियर है। फिजिकल ड्यूल सिम होते हैं ना जितने भी ब्रांड, वो ये होते हैं कि अमेरिकन नहीं होते, चाइना के, कनाडा के, ओरिजिनल नहीं होते, ठीक होगा। और शानी भाई ये मुझे बता दी जरा एक बार सारी गाइड कर दें, क्योंकि मेरे काफी जो इस तरह के दोस्त हैं व्यूअर्स हैं बड़े शौकीन हैं आईफोन के, तो चले उनको बंदा गाइड हो जाएगा, तो ये मुझे बताइए कि थोड़ी प्राइस भी बता दें। ये 11 प्रो मैक्स इसका तो बता दें 256 है, पीटीए प्रो 11 प्रो है, ये 64 GB वाटर पैक, ठीक हो गया। एक्सेस मैक्स ये तीनों, ठीक हो गया। ये 64 GB है, 256 है, ठीक हो गया। मुनासिब रेट पे एक पंद्रह तक इसमें जाती है प्राइस, ठीक हो गया। और ये नॉन पीटीए तक, और ये आईफोन 7 है, ये 25,000 रुपये की सेल लगाई है माशाल्लाह। और ये आईफोन 8 है, 40,000, बहुत बार 38,000, 256 है, 64 दोनों मॉडल। रेट साहब ने मैं समझता हूँ मार्केट के लिहाज से बड़े बिल्कुल मुनासिब, बहुत मुनासिब रखे, क्योंकि इसमें ये है कि हम कहते हैं यार चलो 500 मिल गया जाने का फोन, अब दूसरी इसको देखे ना, दूसरे के यार एक फ़ोन है कम से कम 5,000 तो 4,000 लग ही जाएगी, 500 नहीं, ये इसी तरह आप अपने कस्टमर को जाना, वो खुद कस्टमर बना रहे हैं, ये आपकी जो है ना बड़ी अच्छी ताकत है माशाल्लाह, और हर बंदे को इस तरह होना चाहिए। पर सर वैसे भी पता है कि अपना हिलाक ऐसा है, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ हो ना वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी आए, ये नहीं एक दफ़ा चीज़ है और दूसरी बार दिखा पंजाबी का ओ पोर करो आप पहले भी ले गए हैं, मतलब बात यह करने का कि जो है ना आपने कस्टमर जो है ना आप एक दफ़ा उसके पास जो आए ना, तो वो आपका हमेशा के लिए कस्टमर बन गए, वो हमेशा आपके पास ही आए, बल्कि आपसे मशवरा ले। ये थिंकिंग माशाल्लाह शानी भाई की बहुत अच्छी है कि जो भी कस्टमर आता है उसको ऐसा एंटरटेन करते हैं, कल को वो कोई भी उसने किसी भी ब्रांड का लेना हो, इनके पास बेशक ना भी अवेलेबल हो, लेकिन वो आके शानी भाई से रब्ता लाजमी करता है, क्योंकि उनको पता है कि यार इन्होंने हमसे जो है ना कोई दो नंबर ही नहीं करनी, हमें बिल्कुल अच्छी चीज़ दे के भेजनी है, इसी वजह से सब इनके पास आते हैं। तमाम ब्रांड इनके पास अवेलेबल हैं, आपको बॉक्स पैक में भी मिल जाएंगे, उसके अलावा यूज में भी मिल जाएंगे, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, शाओमी, हवावे, रियलमी, सारे के अंदर आपको इनका लिंक और साथ नंबर दे रहा हूँ और इनकी शॉप का एड्रेस भी साथ। अच्छा भाई मैंने तो शानी भाई से रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा जी मैं डिस्काउंट दे दूंगा अगर आपकी कोई वीडियो देख के आता है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।